जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, एसएससी आपको 2024 आ गया है जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। मेरे पास जितना भी विद्यार्थी एसटीएनओ में आता है सबका नौकरी होता है, ये गारंटी के साथ है। आपको लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में सबका फोटो दिखाऊंगा कौन कौन मेरे पास आया है, ग्रुप में आया है, ग्रुप का ग्रुप रिजल्ट हुआ। यानी मेरे पास यदि आना है तो ग्रुप में आइए, रिजल्ट लेके जाइए, अकेले आइए तो भी रिजल्ट लेकर आइए। एट को लेकर भी बहुतों को टेंशन आता है कि सर कितना कितना बीच में होगा, सब बताऊंगा। ध्यान दीजिए, एसएससी नोटिफिकेशन 2024 आपको आ चुका है नोटिफिकेशन, यानी बिना गणित वाली भर्ती, मतलब इसमें मैथ नहीं पढ़िएगा तभी भी हो जाएगा। टोटल पोस्ट आपका 2006 है, टोटल पोस्ट कितना है जी, 2006 है। ध्यान दीजिएगा, पिछले साल 2023 में पिछले साल 1200 प्लस था, यानी 1200 के आसपास था, इस बार 2006 पोस्ट है। ध्यान दीजिएगा, इस बार 2006 है, पिछले साल 1200 था, पिछला साल कटअप यानी जो भी 140 प्लस नंबर आया उसका नौकरी हो गया, पिछला बार जो भी 140 प्लस नौकरी लेकर आया उसका हो गया। इस बार क्योंकि इसका डेढ़ गुना है, इसका मतलब इस बार जिसका भी 125 प्लस नंबर आएगा नौकरी फिक्स, आज ही मैं भविष्यवाणी कर दिया हूं, जिसका भी 125 प्लस नौकरी 125 प्लस नंबर आएगा नौकरी फिक्स। पिछला बार 1200 था तो 140 गया था, यानी टोटल पोस्ट 2006 200 में 125 नंबर लाइए नौकरी फिक्स। क्वालिफिकेशन जो है आपको 12th पास है, यानी 12th पास है जो आपको जो फॉर्म को भरना है 26 जुलाई यानी आज आपका जो है 29 जुलाई हो गया, यानी 29 या कितना जुलाई हो गया देखे तो नहीं सॉरी 27 जुलाई हो गया, आज 27 जुलाई हुआ, यानी कल ही 26 जुलाई कल ही आपको आया हुआ है। और ये 17 अगस्त तक यानी आपका जो है 26, 27, 28, 29, 30, 31 यानी 5 और 17 यानी 22 दिन दिया है फॉर्म भरने के लिए। अलर्ट हो जाइए, 125 में नौकरी, जल्दी ज्वाइन कीजिए। इंग्लिश देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, इंग्लिश 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, यानी टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, 2 घंटा 120 मिनट में बनाना है। यानी इस बार 200 में 125 प्लस लाइए नौकरी फिक्स है, 125 प्लस लाइए नौकरी फिक्स है। एज को लेकर आइए, थोड़ा बहुत टेंशन रहता है। ध्यान दीजिए, ग्रेड सी और ग्रेड डी दो तरह का इसमें एग्जाम होता है स्टेनोग्राफर में, ग्रेड सी और ग्रेड डी, यानी ग्रेड सी में 18 से 30 चाहिए, ग्रेड डी में 18 से 27, यानी अगर आपका 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी इससे मत कीजिए। आपका जन्म 2 अगस्त 1994 से पहले नहीं होना चाहिए, 2 अगस्त 1994 से पहले नहीं, आ इसमें 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं, फिर से 2 अगस्त 1994 से पहले नहीं और 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जो ओबीसी है यानी इसमें 3 साल जोड़ दीजिए, एससी एसटी है 5 साल जोड़ दीजिए, यानी जैसे ओबीसी है तो अगर मान लीजिए 3 साल बैक कीजिए तो 96, 95, 94 यानी 1, 2, 1, 2, 3 यानी 2 अगस्त 1994 यानी जिनका जन्म 1994 में हुआ है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, 2 अगस्त 1994 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो भर सकते हैं ग्रेड डी के लिए। यानी 95 भी जिनका है वो भी एसटीएनओसी भरिए, 96 है वो भी भरेंगे। इसमें देखिए यानी 95 और उसके बाद आपको जो है 93 आपको 93, 92, 91 यानी ओबीसी के विद्यार्थी अगर 92 में भी जन्म हुआ है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और ग्रेड डी के लिए यदि 95 में भी जन्म हुआ है तो भी भर सकते हैं। मतलब आप 3 साल पहले जाइए, 3 साल पहले आइए ओबीसी और एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए तो और अच्छा है, 5 साल और पहले दिया है तो घबराने की बात नहीं है। अगर जिनको भरना है, जिनका एज ग्रेड डी के लिए भरना है 96 है वो भी भरेंगे, 95 है वो भी भरिए, 94 है वो
भी भरिए, बशर्ते कि ये तो 94 वाला ये देख लेंगे 2 अगस्त को लेकर जो है। अच्छा ग्रेड सी के लिए 94 वाला ही भरिए, 93 वाला भरिए, 92 वाला भरिए, 91 में 2 अगस्त को थोड़ा देख लीजिएगा। 92 वाला तो दिखते नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मेरे पास जो है ऐसे स्टूडेंट का भी रिजल्ट हुआ है, क्योंकि मैं एक बिरबल 30 ग्रुप चलाता हूँ। बिरबल 30 ग्रुप में यदि जिनको जोड़ना है वह जुड़ सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। पिछले साल जो मेरा विद्यार्थी बिरबल 30 ग्रुप से नौकरी लिया है उसका मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आप फोटो देखिए, आप खुद कहिएगा कि जो है सर ये जो है फोटो। अब यहाँ देखिए, फोटो तो दिख रहा है ना जी? हाँ फोटो दिख रहा है, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये देखिए, ये मेरे पास जो है, ध्यान दीजिएगा, 4 फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फोटो देखिए, ये जो है इसका भी स्टेनो हो गया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ध्यान देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ये सब, ये तीनों जो है एक साथ पढ़ा हुआ था मेरे पास, सबका रिजल्ट हो गया। इसका तो पटना ही दिया है, इसका पटना में हो गया है, ये लड़का का पटना है, ये प्रद्युमन है, ये आपको आशीष है, और ये आपका जो है विशाल है। तीनों का स्टेशन में हुआ है, स्टेनोग्राफर में हुआ है। इसी का एक और दोस्त देखिए, 4ों का यहाँ फोटो देखिए, देखिए यहाँ फोटो। अरे आप लोग किस भ्रम में है, नौकरी दिलवाना मेरा काम है। देखिए ये 4ों जो है मेरे पास पढ़ा हुआ है। ये लड़का जो है पटना में 10 साल तक पढ़ा हुआ था, किसी के पास पढ़ने के बाद नौकरी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद 10 साल पढ़ा, पटना छोड़ दिया, फिर गया गांव में बिजनेस किया, लेकिन पता चला मेरे बारे में तो फिर आया और मेरे पास पढ़ा, मेरे साल पूरी तरह पढ़ा 6 महीना, तो 6 महीना पढ़ने के बाद इसका नौकरी हो गया। ये भी जो है, ये सब देख रहे हैं ना, इसका भी नौकरी हो गया। ये जो देख रहे हैं, ये लड़का जो देख रहे हैं, ये हमसे बोला कि सर मेरा लास्ट स्टेज है, नौकरी नहीं होगा, हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ये विशाल को। लेकिन मैंने बोला कि तुम्हारा नौकरी होगा, इस बार हमको मौका दे दो। ये मेरे पास पढ़ा, दिन भर पढ़ता था, और उसके बाद देखिए किस्मत देखिए, इसका जो है सी में हुआ है और पटना मिला हुआ है। ऐसा ही देखिए, आप देख रहे हैं ये पार्टी का जो है सीन है, बर्थडे पार्टी हुआ है यहाँ पर। ये हमारा विशाल है, ये विशाल हो गया, ये हमारा विशाल हो गया, ये प्रद्युमन हो गया, और आप देख रहे हैं यहाँ पे विशाल है, ये मुरारी है, ये हाँ, ये देखिए ये विशाल है, ये मुरारी है, ये प्रद्युमन है, ये आपका, आपको आशीष है। और ध्यान दीजिए, देख रहे हैं जो है, ये हमारा जो है सबका अपना अपना अलग अलग हो रहा है। तो आप देखिए कितना अच्छा जो है सीन है, आया सब और रिजल्ट लेके चला गया। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा ही रिजल्ट लेने के लिए, तो आप आइए और मेरे पास जो है क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ नौकरी दिलवाने का। कितना सुंदर जो है दृश्य है, आप देख रहे हैं जो है लड़का सब जो है कितना अच्छा से जो है, 4ों देख लीजिए मेरे पास पढ़ा हुआ है, 4ों जो है आप देख ही रहे हैं। फिर यहाँ देखिए, अभी मेरे पास ये ग्रुप चल रहा है, ये पढ़ रहा है लोग, ये देख रहे हैं दीपक है, इसका CGL में हो गया है, ये भी CGL में हो गया, ध्यान दीजिए ये भी CGL में, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये दीपक CGL में हो गया है, ये भी CGL में हो गया है आपका। फिर जो है ये भी CGL में हो गया, CGL वाला कैंडिडेट है सब, आप देख रहे हैं जो है, ये हमारा सिप वाला कैंडिडेट है। तो फिर आपको ऐसा ही जो है जल्द से जल्द अपना ज्वाइन कीजिए और आप अपना भविष्य को जो है आगे बढ़ाइए।